What's up, lovely guys? This is Rishi the rider, aapka bhai, your mother. Sorry, your brother from another mother. So, aaj hai Sunday, time hua hai around 10 baje subah. Main already apne restaurant pe aa chuka hu. Aaj ka din kuch excited hone wala hai. I'm going to ride my first Harley ever. Aur wo Harley kaun si hogi aapko jaldi aage video mein pata chalega. So, don't miss the video. एंड थोड़ी ठंडक हो गई है इसलिए हुडी वुडी भी पहन लिया है और हार्डले पे थोड़ा अच्छा भी लगेगा. नहीं लगेगा? लगेगा यार, आप देखिएगा, अच्छा लगेगा. कैप वैप थोड़ी अच्छी हूँ, क्रूज़र टाइप की. मैं क्रूज़र पे अच्छी लगे उस से लगा के आया हूँ. तो ये राइड छोटी सी राइड होगी, नॉट लाइक 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की राइड. बस वो वाली राइड होता है ना भाई, एक चक्कर देना है. ये सिर्फ वो वाली राइड होने वाली है. सिर्फ मैं अतिन भैया से मिला था. अतिन भैया को जनरली मैंने पूछा, उनसे फॉर्मली रिक्वेस्ट किया, दैट आई वांट अ शॉर्ट राइड. उन्होंने विद इन अ सेकेंड, विदाउट एनी हेजिटेशन, एक सेकेंड में कहा हाँ भाई दे. कल मैंने राइड नहीं ली बिकॉज मेरे पास कोई वीडियोग्राफर नहीं था जो मेरी अच्छे से वीडियो बना सके. तो आज मैं एक बंदा लेके जाऊँगा साथ में ताकि वो अच्छे से वीडियो बनाए. मैं उसको कल राइड ले लेता तो ये ब्लॉग नहीं बन पाता, तो इसलिए मैंने राइड कल से शिफ्ट करके आज पे रखी है ताकि अच्छा व्लॉग बने, मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं. तो जल्दी मिलते हैं हार्ली की राइड पे. और एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग है बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग एनी काइंड ऑफ हार्ली. मैंने अभी तक कोई हार्ली नहीं चलाई है, नाइदर 750, नाइदर आयरन 83, नाइदर फैट बॉय, नाइदर फैट बॉब, कोई भी हार्ली नहीं चलाई है. सुपर बाइक चलाई है, निंजा चलाई, बुलेट चलाई, बहुत चलाई, बट द किंग ऑफ द क्रूजर्स हार्ली फर्स्ट टाइम चलाऊंगा. तो स्टे ट्यून, देखिएगा आगे जल्दी. एंड सेवनअप पीते रहिएगा मेरे जैसे. सर्दी है, जुकाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट सेवनअप मत छोड़ना. ओके, मिलते हैं जल्दी. हेलमेट कहाँ आपका? आप राइड पे चल रहे हो, आपका हेलमेट? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेकर भूल गया था. जल्दी से बाय द टाइम जयेश आता है वापस बता दूँ. बिना हेलमेट, बिना शूज, बिना ग्लव्स बाइक नहीं चलानी चाहिए. तो छोटी सी राइड है इसलिए मैं चला रहा हूँ. ब्रज मैं आपको मेरा घाव दिखाता हूँ जो बूजा के साइलेंसर से हुआ है. तो जस्ट फॉर अ सेकेंड बूजा का साइलेंसर मुझे टच हुआ था एंड दिस हैपेंड. अभी मैं लाइक ज़्यादा लंबी राइड पे नहीं जा रहा हूँ इसलिए ये शूज़ पहन के जा रहा हूँ. और मैं लॉन्ग शूज़ अभी पहनने वाली कंडीशन में भी नहीं हूँ. अदरवाइज मैं पक्का लॉन्ग स्पोर्ट शूज़ पहनता ताकि वापस से इंसिडेंट हैपन नहीं हो. एंड अभी थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल अप है, मैं राइड को छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ. राइड कल करने वाला था, कल किसी रीज़न से नहीं जा पाया, आज जा रहा हूँ. अभी की शॉप पे अतिन बाइकिंग स्टोर. एंड थोड़ा सा बैड लक है, अतिन भैया अभी है नहीं यहाँ पे. अतिन भैया से बात हुई, वो अराउंड 1 घंटे बाद में यहाँ पे आएंगे. तो हम वापस 1 घंटे बाद में आएंगे बाइक लेने के लिए, राइड लेने के लिए. वो अंदर खड़ी है. थोड़ा आप गेस कीजिए विच बाइक इज रेड बिकॉज अभी तक मैंने आपको एक्सप्लोर किया नहीं है रेड बाइक कौन सी है. तो जस्ट गेस द बाइक, बाकी थोड़ी देर बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा. बाय बाय. वापस अतिन भैया के यहाँ पे आ गए हैं. आई गेस मेरी कैब भी चेंज हो गई है, मेरे साथ वाला बंदा भी चेंज हो गया है.
कैप बंदा दोनों चेंज हो गया, बंदा तो ऐसे चेंज हुआ है, पहले वाला बंदा वापस आया नहीं, और कैप मैंने बाइक के कलर को देखते हुए कैप भी चेंज कर ली है। तो अभी राइड पे चलेंगे जल्दी से, पार्किंग जाके स्टोर पे आ गए हैं। एंड दिस इज द स्टोर, अभी सिर्फ एक पोस्टर खड़ी है, सॉरी 883 आयरन खड़ी है। परसों स्पीड ट्रिपल खड़ी थी एंड आई मिस दैट, बाइक साथी रहेगी, एक्सप्लोर करते रहेंगे। डोंट वरी, अभी तो अतुल जी मिले हैं हमसे, काश पहले मिल जाते। तो लेट हिम टेक द बाइक आउटसाइड एंड फिर हम छोटी सी राइड पे चलेंगे। एक्सलेंट, अभी हम वॉशिंग के लिए आए हुए हैं, बाइक वॉश हो रही है। भैया ने बोला यार तुम गंदी ले जाओगे, अच्छी नहीं लगती है, आप वॉश करा के चलाओ गाड़ी। We are back at Atin Bhaiya's biking store and thank you so much Atin Bhaiya for just this small sponsored ride. नहीं, it's okay. और नई नई बाइक आए तो जरूर आप स्पॉन्सर कर दीजिएगा हमें, हमें बहुत अच्छा लगेगा ये स्पॉन्सरशिप वाला मामला। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए कि आपके पास कौन सी बाइक आती रहती है एंड आप सर्विस एंड सब कुछ करते हैं। अभी जैसे जो सर्विस पे पास और सारा जितना भी है
सिर्फ इम्पोर्टेड बाइक्स लाइक 150 सीसी सेगमेंट दैट्स R15 ड्यूक जिन बाइक्स की सर्विस अपने जोधपुर में अवेलेबल नहीं है प्लस जयपुर के अंदर जिनकी सर्विस सेंटर्स नहीं है दैट इंक्लूड्स होंडा एंड एवरीथिंग उनकी सर्विस जिनकी वारंटी खत्म हो चुकी है उन सब की सर्विसेज यहां पे अवेलेबल हो जाएगी अलॉन्ग विद स्पेयर पार्ट्स जो मैं खाली से सोर्स कर सकता हूं ऑल सुपर बाइक्स दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग बी इट हार्लेज होंडा सुजुकी कावासाकी एनीथिंग इफ यू हैव एनीथिंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर बाइक यू कैन जस्ट ब्रिंग इट टू मी एंड वी विल वर्क इट आउट आपके पास चाहे पानी के लो चाहे एस्टुआर हो चाहे फायर ब्लेड हो चाहे सी वी हो लाइक एनी बाइक जस्ट ब्रिंग इट ओवर हियर एंड मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से अपन इंजन रीमैप ईसीयू रीमैप का काम भी शुरू करेंगे ईसीयू रीमैप में पास में जो मेरा पूरा कंप्लीट किट है उसका ईसीयू रीमैपिंग का वो भी थाईलैंड से आ रहा है वाह तो उसके बाद में बाइक को अनरिस्ट्रिक्ट करना और वो जितनी भी फैसिलिटीज और जो सर्विसेज हैं वो सारी अपन देंगे यहाँ पे और अगर सब कुछ सही रहा तो स्कोडास वगैरह के जो रिस्ट्रिक्शंस खोलने जैसे आपके पास में जो भूसा है वो 299 पे लॉक है मैं उसको अनलॉक कर सकता हूँ वंस आई हैव दैट किट विद मी मतलब आपका कहने का मतलब भूसा की स्पीड जो मैक्सिमम 300 है आप उसको 320 तक जा सकती है मतलब वो फुल रेव जाएगी जो रेड जोन पर आने के बाद में ब्लॉक रुक जाती है वो उसको वो क्रॉस करके जाएगी वो तो आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा एटलीस्ट 12-15 हॉर्स पावर का व्हाट एल्स यू नीड गाइस सुपर बाइक को भी सुपर पावर एक्स्ट्रा मिल जाना और क्या चाहिए एग्जैक्टली चलो एक बार आपको अतिन भाई का स्टोर दिखा देते हैं अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है लाइक अराउंड सोर्सिंग कर रहे हैं अभी एक महीने के आसपास में ये पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा सब कुछ आ जाएगा बट फिर भी एक बार दिखा देते हैं इनके पास अभी भी कुछ पानी गिर की फेयरिंग्स वगैरह पड़ी है आपको मैं दिखा देता हूँ डुकाटी 595 की फेयरिंग्स है स्पेशल एडिशन ये उसकी हेडलैम्प्स एंड अगेन द मास्क ऑफ डुकाटी और ये भैया हाइड्रोक्रोम अपने हाइड्रोक्रोम इंजन है एंड आई गेस शांतनु भैया एंड CBR टैंक जो इनके पास CBR थी अभी टैंक जैसे ही पड़ा है देखो क्या होता है काफ़ी कुछ सामान है जो अभी मैंने ओपन नहीं किया है और जल्दी उसको ओपन करके जल्दी प्रोसीड कर दूँ गैस द बाइक गाइस चलो बता ही देता हूँ CBR 2020 मॉडल चलो मिलेंगे आपसे जल्दी ओके सो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग देखते हैं कौन सी राइड मिलती है अगली जल्दी मिलेंगे आपसे वापस शो सम लव सब्सक्राइब एंड हेलो हिट द लाइक बटन थैंक यू अबे रुक जाना यार ठीक This is what it feels like when I'm riding. Like I don't want to stop, but I have to stop. And the helmet, I'd never ride without my helmet. चाहे मेरे पास गाड़ी हो या नहीं हो, but अगर मैं गाड़ी चलाने की acting भी कर रहा हूँ, तो मैं helmet जरूर पहनूँगा. This is just for the awareness that you should never ride without your helmet. And if possible, more safety gears. But At least helmet should be there. So my first Harley ride was pretty good. I really enjoyed it because the 883 it was the entry level Harley bike और मुझे बहुत मजा आया वो चलाने में वो feeling होती है ना कि यार कभी कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है वो वाली feeling आ रही थी बिल्कुल Harley में And as it was my first ride, it was awesome, man. My first impression is the last impression, and the first impression was very good. बहुत मज़ा आया और कभी भी मैं मेरी नेक्स्ट हार्ले राइड को मिस नहीं करना चाहूँगा इस राइड के बाद में अच्छी राइड थी मज़ा आया थैंक यू टू द अतुल दिया गाड़ी लेके गए वॉश कराई और जो उसका कंफर्ट जोन है लाइक आप इजीली 200-300 किलोमीटर्स यू कैन राइड विदाउट एनी इश्यूज आप अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक लोगे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है बट इफ़ यू गो फॉर क्रूजर लाइक हार्ले आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉन्ग राइड में यू कैन इजीली गो विदाउट एनी स्टॉप क्या स्टॉप लेना पड़ेगा आप थक जाते हो बट स्टिल आई वुड से दैट आप इजीली लॉन्ग राइड पर जा सकते हो And the pickup and
the center of attraction you are. Like जब भी आप निकलते हो आपको हर कोई देखेगा मुड़ मुड़ के और वो जो फीलिंग होती है बस वो तो बहुत बहुत अल्टीमेट होती है. लेकिन आप जब राइड करोगे तब वो पता चलेगा. मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा तो वो फीलिंग्स जब तक आप खुद फील नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे. कुछ चीज़ें शब्दों में बयां नहीं हो सकती है और बियर्ड होने का ये नुकसान है आपसे बार बार छिप जाती है. कुछ भी आप खाओ पियो साली मूछ में अटक जाएगी कभी दाढ़ी में अटक जाएगी. बट एक बाइकर के हिसाब से मुझे बियर्ड लुक बहुत अच्छा लगता है यार. बियर्ड लुक में बाइकिंग बहुत सूट करती है. तो दैट वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट हार्ले एक्सपीरियंस. डोंट राइड विदाउट योर हेलमेट विदाउट योर सेफ्टी गियर. अगर सेफ्टी गियर्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट हेलमेट शुड बी देयर. कुछ भी हो जाए तो बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. हम आए थे किसी की स्कूटी पे, वो बंदा निकल गया. हम यही भ्रम में रह गए हमारी गाड़ी पड़ी है. हम हार्ले घुमा घुमा के वापस लेके आए. फिर यहाँ आने के बाद में तो चला गया भाई अपनी स्कूटी तो है ही नहीं. अब चल रहे हैं पैदल पैदल. थोड़ी देर 800 सीसी दौड़ाई अब 1100 सीसी दौड़ा देते हैं हमारी पैरों वाले. होता है कभी कभी चलता है दिमाग भी ऐसा ही है.